की सबसे बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र बांध बाईपास पर निर्माणाधीन मकान के कंस्ट्रक्शन के दौरान शौचालय की टंकी निर्माण के क्रम में मिट्टी धंसने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू के कार्य में लगा एक और मजदूर भी अचानक मिट्टी गिरने से दब गया, जिसे स्थानीय लोग इस प्रयास से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू कार में असहयोग का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही बाईपास सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद नगर पुलिस और प्रशासन के द्वारा जेसीबी को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू का कार्य शुरू किया गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर यह निर्माण कार्य हो रहा है वह बूढ़ी गंडक नदी के बांध के भीतर का भाग है। मजदूर की पहचान मथुरापुर ओपी की सारी पंचायत के रहने वाले मनोज राम के रूप में हुई है, जबकि दूसरा मजदूर रंजन कुमार खतरे से बाहर है, जिसका इलाज चल रहा है। मिटनोज बिहार के लिए समस्तीपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। एक लेबर है, मनोज राम है, सारी गांव के, वो मथुरापुर साइड के रहने वाले हैं, और वो शायद बाथरूम के लिए टैंक बना रहा था और ये बलवाही मिट्टी है, वो मिट्टी धस गया और जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग लाश निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार निकालते हैं, बलवाही मिट्टी होने के चलते फिर से धस जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी कोई कामयाबी मिल जाए। किस चीज़ से निकाला जा रहा है अभी? तो पहले तो मैनुअली कोशिश किए थे, फिर कामयाब नहीं हुए, अभी जेसीबी लगवाए हैं बाहर से बड़ा खाई खोल करके। तो कितने देर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है? करीब 2 घंटे से हम लोग प्रयासरत हैं अभी, कि मैनुअली मतलब जेसीबी से। मैनुअली तो हमको लगता है आधा घंटा के बाद ही हम लोग स्टार्ट हो गए थे, काम शुरू कर दिए थे। जमीन मालिक पर भी कार्रवाई होगी जो इन्होंने लापरवाही बरता? अब तो जैसा लिखित आवेदन आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। जी सर, क्या घटना हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसमें मदद के तौर पर कार्रवाई की जाएगी? जानकारी मिली है कि यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे मजदूर, उसमें से 2 मजदूर इसमें मिट्टी के दबने से अंदर में दब गए थे, जिसका नाम मनोज राम और उमेश सहनी बताया जा रहा है, जिसमें से एक घायल हुए थे, उसको इलाज के लिए भेजा गया है, एक के मौके पर मौत हो गई है मनोज राम का। तो इसमें हम लोग आपदा की तरफ से देखते हैं जो प्रावधान होगा नियमानुकूल उनको दे होगा, यही जानकारी मिली। निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, कहने कैसे अवैध रूप से, इसके क्या कहना चाहिए? अवैध नहीं कहा जा सकता है, चूँकि यह निजी भूमि में बना रहा है। नदी के अंदर बांध के अंदर तो पक्का निर्माण नहीं कर रहा। अब इस संदर्भ में तो जो जल संसाधन विभाग से विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।